तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक 5M सर्वर कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। ये क्यूबस फ्रेमवर्क के ऊपर है, तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। ये आपको पहले तो 5M आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। ओके, ये कर दिए आर्टिफैक्ट्स डाउनलोड। तो अभी तो मैंने एक ड्राइव पूरी 5M के लिए रखी है, तो एक फोल्डर बनाई है उसके अंदर 5M। इसके अंदर एक आर्टिफैक्ट करके नाम का फोल्डर बनाई है। ओके, उसके अंदर जाइए, ये सारी जो फाइल्स हैं इधर पेस्ट कर देना या कॉपी, जो भी करना चाहोगे आप। ओके, ये जब होने के बाद आपको बस सिंपली यहाँ आना है, इस पे क्लिक करना है, ये अपने आप सब कुछ कर लेगा अभी। ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा सर्वर सेटअप हो रहा है। मीनवाइल आपको अकाउंट वगैरह लिंक करना है आपके, जो CFX अकाउंट होता है उसका। तो आपको इधर आना है और एकदम सर्च करके ये इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर जिस पे हमारा डेटाबेस रन होगा। ओके, मेरे पास अभी पड़ा है सॉफ्टवेयर, तो मैं नहीं इंस्टॉल करूँगा इसको। तो एग्जाम को ऑन करना है डेटाबेस का, वो इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्वर जैसे कि कर रहा मैं, क्योंकि अभी तक सर्वर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। अभी मैं पासवर्ड एंटर करता, पासवर्ड इन द सेंस आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होता है। एरेड, यस, फिर आपको सर्वर का नेम, मैं ये बन दूंगा। ओके, नेक्स्ट। अभी आपको जाना है रेसिपीज में, अभी मैं सिलेक्ट करूंगा क्यूबी कोर, क्योंकि ये एक मॉडर्न टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, तो ये अच्छा रहता है। और ESX काइंड ऑफ पुराना है मगर अच्छा है, मगर मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप न्यू ट्राई कर रहे हो 5M, तो आप क्यूबी कोर करें। मैं क्यूबी कोर के ऊपर करूँगा ये। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डन, फिर भी नेक्स्ट करना, इधर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अभी आपको चाहिए आपकी लाइसेंस की, इधर क्लिक करो, साइन इन। ओके, इधर आपकी की होगी, तो आपको आपकी की इधर से क्लिक करना है, रीजनरेट। मैंने पहले से बना के रखी है, तो अगर आपके पास बनी नहीं है तो की आप बना लो। कॉपी करता की मेरी और इधर पेस्ट कर लेता, रन। अभी मेरा ज़ैम्प चालू था तो मेरा डेटाबेस बन जाएगा, ये सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह डाउनलोड हो रही है। लोग वेब इंटरफेस पे वापस जाते हैं। अभी इधर कुछ चेंजेस नहीं होंगे मगर आगे की वीडियोस में इधर चेंजेस होंगे, कि हमको रिसोर्सेज वगैरह ऐड करने होंगे, तो इधर ही से होंगे वो सारे रिसोर्सेज ऐड। तो अभी हमारा सब स्टार्ट हो रहा है इनिशियल स्टेजेस में, तक हम लोग 5M खोलते हैं। सब चालू हो चुका है ऑलमोस्ट, यस, द सर्वर इज ऑन। ये आपका ऐसा डैशबोर्ड दिखता है, लोकल होस्ट पे तो आप प्लेयर्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो, प्लेयर्स, वार्निंग्स, कितने टोटल प्लेयर्स हैं, ये होगा अपना लाइफ कौन, आप वाइट लिस्ट कर सकते हो लोगों को, स्पॉट आईडी के, ये रिसोर्सेज
आप इधर से रिसोर्स बंद चालू भी कर सकते हो। ये आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये सारे रिसोर्सेज, वो स्क्रिप्ट के थ्रू आए, जो रेसिपी थी हमने उधर से डाउनलोड करी थी यूबी कोर की। ओके देख सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इवेंचुअली दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं वो वीडियो में बताते रहूँगा, तो डरने की कोई बात है नहीं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी यू नो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि एडमिन मैनेजर हो गए। एडमिन मैनेजर इस पैनल का है। ओके थोड़े सेटिंग्स हैं, आप अपने स्टार्ट प्लेयर मैनेजर वाइट लिस्ट ऑन करना चाहते हो और बॉट का कुछ का। जैसे जैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो वैसे अब मैं आपको दिखाते रहूँगा। अभी आपको कनेक्ट कैसे करना है सर्वर को वो दिखाता मैं। कनेक्ट लोकल होस्ट डाल के आपको कनेक्ट करना है। ओके ये सर्वर का आर्टिफैक्ट अपडेटेड है इसलिए वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपकी क्यूबस की लोडिंग स्क्रीन है, बस नहीं क्यूबिक और। तो यही था इस वीडियो के लिए, और आपको अगर कोई सजेशन देनी है न्यू वीडियोस के लिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, उधर हम बात कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में। मगर प्लीज़ डीएम मत करना, क्योंकि हर रोज़ बहुत सारे डीएम्स आते हैं तो कीप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।